ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। पता नहीं उसकी क्या मंशा है, वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता उनकी मंशा क्या है। राहुल गांधी एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, हारे हुए आदमी है, इसलिए बार बार वो नई नई बातें निकालते हैं। खैर, उनकी बातों का जवाब भी कोई क्या दे, जिस आदमी को अभी तक देश के किसी भी वर्ग ने सीरियस नहीं लिया, उस आदमी की इस बात को भी कोई सीरियस नहीं लेगा। ये तो आश्वासन सबको ही देते हैं, जिसको आश्वासन देते हैं उनमें से बाद में इंसाफ तो किसी को नहीं मिला। इनफैक्ट सभी के माँ बाप आज तक इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। बलविंदर जी के ऊपर जो कल कातलाना हमला हुआ है, इंसाफ की बजाय उन कातलों को पकड़ें। इंसाफ अपने आप हो जाएगा जब कातल पकड़े जाएंगे, लेकिन आप कातलों को तो पकड़ नहीं रहे। और आपने अभी तक तो ना मुसेवाला जी को इंसाफ दिया है, ना आपने अंबिया को इंसाफ दिया है, तो बलविंदर भी इंसाफ के इंतजार में है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। पंजाब पुलिस क्या करे भाई, पंजाब पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल वहां से रिमोट दबाएंगे तो काम शुरू होगा यहाँ पे। अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने वहां से अभी तक रिमोट दबाया कि नहीं दबाया, इसलिए ना तो भगवंत मान कुछ कर सकते हैं, ना डीजीपी कुछ कर सकते हैं। भगवंत मान तो बेचारे अपने एसएचओ नहीं लगा सकते, वो बेचारे क्या कार्रवाई करेंगे। फेलियर है, पूरा फेलियर है पंजाब। नहीं देखो, आप फ्री डेमोक्रेसी में आप किसको रोक सकते हो? अच्छी चीजें भी अपलोड होती हैं, बुरी चीजें भी लोग अपलोड करते हैं, लेकिन हमें को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिसके कारण को बुरी चीज बने और अपलोड हो। सर, बीजेपी दे हमेशा रोक तक देने कि बीजेपी दे कोल सीबीआई अते विजिलेंस है, जिदे दबाव विजिलेंस साडे कोल नहीं हैगी। विजिलेंस ते भगवंत मान कोल है, जिहड़ी रोज लोगों चुकी जांदी है।